कोच मेरे को हमेशा डिस्टर्ब करते थे। वो जाके स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया का जो डायरेक्टर थे उनके पास जाके भी मेरा कॉम्प्लेन करते थे, कहता है लड़की को नंदी ने डेथ करा देगा, उसका डेथ हो जाएगा किसी भी टाइम। तो मुझे पता था कैसे उसको तैयार करना है, मैंने भी ठान लिया मुझे कराना ही कराना है उसको। तो मैंने भी जो जीत का बात कर रहा हूँ ना, वो जीत से मैंने उसको बेसिक मोमेंट जो होता है, बेसिक मोमेंट में इतना ज्यादा हार्ड वर्क करा है, उसने कभी ना नहीं किया, सर आप कराओ मैं हूँ आपके साथ। तो इस पद्मनाभा अवार्ड को मैंने बेसिक कराते कराते मैंने एक दिन जब फाइनल के लिए पोडियम पे गया तो हमारा चीफ कोच था डॉक्टर गुरुदयाल सिंह बाबा, वो भी घबरा गया, कहता है नंदी आज नहीं कल कराना। दीपा मैंने उसको मेंटली तैयार करके लेके आया था, मैंने कहा चल बेटा आज उसको आपने परफॉर्म करना है। तो हमारा जो चीफ कोच था उन्होंने मना कर दिया, कहता है नहीं नंदी आज नहीं अब नेक्स्ट डे करना, वो भी घबरा गया था क्योंकि वॉल्टी ऐसा कुछ था अगर कुछ भगवान ना करे कुछ अगर हाथ स्लिप हो गया या लैंडिंग ठीक से नहीं आया तो बहुत बड़ा चोट लग सकता है। तो मैं कॉन्फिडेंट था, मैंने प्रैक्टिस कराया उसको अच्छी तरह हार्ड वर्क कराया। तो नेक्स्ट डे को मैंने उसको समझाया, मैंने कहा बेटा ऐसा ऐसा है हमारा जो चीफ कोच है उनका बात सुनना पड़ता है हमें, हम नेक्स्ट डे को करें। कहता है सर अगर नेक्स्ट डे आपने मेरे को नहीं कराया तो मैं खुद अकेला मान दूंगा। मैंने कहा नहीं बेटा तुम कर सकते हो, मैं कल कराऊंगा तुम। तो इस तरह मैंने उसको प्रोदुनावा वर्क कराया, जैसे वर्ल्ड में 5 लड़की ने उसको अटेम्प्ट किया और 3 लड़की ने सक्सेस हुआ, इसमें से एक हमारा दीपाकर मकार। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।